हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड आप लोग कैसे हो? फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओप्पो का लॉक कैसे तोड़ा जाता है बिना सर्विस सेंटर गए हुए और बिना डाटा लॉस किए हुए। फ्रेंड आप लोग को पता है फ्रेंड कि जब आप लोग का ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक नहीं होता है, लॉक हो जाता है, तो आप इस सिचुएशन में कितने परेशान हो जाते हो ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। आप अपने फ़ोन से किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं कर सकते हो, किसी को कॉल नहीं कर सकते हो, किसी को मैसेज नहीं कर सकते हो, कहीं पर आप कुछ खरीद रहे हो तो आप वहाँ पर आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कैश नहीं कर सकते हो, पे नहीं कर सकते हो, कैश है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फ्रेंड ऐसा बहुत सा वर्क होता है जो आपका फ़ोन लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है तो उसके कारण वो वर्क रुक जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप ओपन किए हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप सीख जाइएगा ओप्पो का लॉक कैसे तोड़ा जाता है बिना सर्विस सेंटर गए हुए, बिना डाटा लॉस किए हुए। आपको पता है फ्रेंड इस सिचुएशन में जब आपका फ़ोन लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है तो आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर जाते हो। सर्विस सेंटर वाले आपसे पैसा ले लेते हैं, आपका समय भी लेते हैं और आपका टोटल का टोटल डाटा डिलीट कर देते हैं। ये बात तो आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन मेरे इस मेथड के अनुसार अगर आप चलोगे आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और ये डाटा जो सर्विस सेंटर वाले डिलीट कर देते हैं वो डाटा ही बचेगा फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग भी मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूं और वो डायरेक्ट आपके पास पहुंचता रहे फ्रेंड। तो पहला वर्क, सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको उठाना है वो अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करना है। जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करोगे तो नीचे आपको इमरजेंसी कॉल दिखाई देगा फ्रेंड, आप इस इमरजेंसी कॉल पर क्लिक कर देना। मैं फिर से करके बता दूं फ्रेंड, जब आप ऐसे स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे तो नीचे इमरजेंसी कॉल दिखाई देगा जहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई भी वर्क कर सकते हो। उसके बाद आप कहीं भी देख लो, कोई भी वर्क आप नहीं कर सकते हो तो इमरजेंसी कॉल पे आप क्लिक कर देना इस तरह से। जब आप इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करोगे तो आपको *#899 और हैज पर क्लिक करना है। *#899 पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंजीनियर मूड नाम का पेज खुलेगा जो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आप मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करना फ्रेंड, 4 नंबर ऑप्शन तो आपको बहुत सा मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, कंफ्यूज करना है लोगों को, अपना मोबाइल अनलॉक करके दिखाना है फ्रेंड। तो आपको 4th नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है मैनुअल टेस्ट पर। फर्स्ट पेज छोड़ के 2nd पेज पर आना है जिसका नाम होगा डिवाइस डबिंग। तो इस डिवाइस डबिंग में फ्रेंड आपको सबसे पहले जायरस्कोप पे वर्क करना है जो जी सेंसर और एम सेंसर के बीच में है। यहाँ पे क्लिक करना है और जायरस्कोप सेल्फ टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पास लाना है। अगर एक बार में फेल भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से ट्राई कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जायरस्कोप सेल्फ टेस्ट पास करना है। कितना एंड्रॉयड स्मार्टफोन में होता है कि जायरस्कोप सेल्फ टेस्ट पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट का ऑप्शन देगा तो वहाँ पे आपको स्टार्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं। और फ्रेंड इसी पास की आवश्यकता आपको भी है, आप याद रखना, ये पास आएगा तो ही आपका काम बनेगा, अन्यथा काम नहीं बनेगा। तो आप इसको बैक कर लेना। बैक करने के बाद डाटा डिस्प्ले जो दिख रहा है 3 नंबर में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसको 20 तक नीचे तक 20 तक आने दीजिएगा ताकि आपका जो FRP कोड होता है वो टूट जाए। ये 20 तक जैसे ही होगा फ्रेंड इसको बैक कर लीजिएगा। बैक करने के बाद फ्रेंड अब आपको चले जाना है सबसे लास्ट पेज पे जिसका नाम है अदर। अदर पे आने के बाद आपको रीड राइट इम्पोर्टेंट लॉक टेस्ट जो 2nd नंबर ऑप्शन पर दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करना है और 1st टाइम में कैंसिल करना है, 2nd टाइम में इसको ओके करना है। अगर यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड शो करे तो आप समझ जाइएगा पासवर्ड रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है। 3 नंबर पे है की स्टेटस, बोले तो लॉक का स्टेटस। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखेंगे पास है कि फेल है। आप देख सकते हैं यहाँ पास 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 दिख रहा है फ्रेंड, इसको बैक कीजिएगा। उसके बाद आपको रीडिंग रीसेट कम्प्लीट इंडिकेटर दिख रहा होगा फ्रेंड लास्ट ऑप्शन पर। रीडिंग रीसेट कम्प्लीट इंडिकेटर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट ऑप्शन पर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आपका फ़ोन अनलॉक हुआ है या नहीं, क्योंकि
आप लोगों ने देखा है फ्रेंड कि मैंने जो जो वर्क किया वो सब जगह पास आया है, फेल का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पास आएगा तो ही आपका फ़ोन अनलॉक होगा। तो ये रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर पे आपको क्लिक करना है और चेक करना है यहाँ पास आता है या फेल। अगर पास है तो आपका फ़ोन अनलॉक है, वो ही विदाउट डाटा लॉस है। तो आइए फ्रेंड हम चेक करते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ भी पास आ चुका है और मैंने बोला भी है कि ये वर्क में सिर्फ पास की आवश्यकता है, फेल का कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको अब यहाँ से होम बटन पे क्लिक करना है। यदि आपके पास स्वीपअप का ऑप्शन है तो स्वीपअप कीजिए, लेकिन यहाँ पे इस फ़ोन में होम बटन है तो मैं होम बटन पे क्लिक करता हूँ। और आप देख सकते हो मेरे दोस्त कि ये फ़ोन सच में अनलॉक हो चुका है और इस फ़ोन का डाटा भी सेफ है। अगर आप सर्विस सेंटर गए होते तो आपका पैसा लगता, समय लगता और ये डाटा भी लग जाता, लेकिन मेरे वर्क के अनुसार अगर आप चलोगे, मेरे मेथड के अनुसार चलोगे, आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और ये डाटा भी बचेगा। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका पूरा मदद करूँगा। फ्रेंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।